इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसकी डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए ओवरऑल एटम की, जहां से भी आप फिस कट करो उसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था। अच्छा, इसके इस मॉडल को हमने प्लम पुडिंग केक क्यों बोला, इसने बोला कि ये चेन जैसे आप आइसक्रीम पर टॉपिंग करते हो ना, आइसक्रीम पर टॉपिंग करते हो उसी की तरह इसने बोला कि इस एटम पे भी किसकी टॉपिंग हुई थी, चार्जेस की टॉपिंग हुई थी, जो यूनिफॉर्म है और जो वो पूरा होल एटम पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसके हमने बोल दिया, इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया प्लम पुडिंग केक मॉडल। लेकिन जब हमने इसकी डेंसिटी देखी एटम की हर जगह से, तो नहीं वो जो डेंसिटी सेम नहीं थी ओवरऑल एटम की, तो इसका भी ये मॉडल यहीं पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जब डेंसिटी देखी तो मोर डेंसर पार्ट इसका बीच में हो रहा था, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी थी वो यहाँ सेंटर में थी, और जो इसके एटम के आप कह लो कि जो ये वाला जो पार्ट होता है सेंटर के अलावा वो इतना डेंस नहीं था, तो इसका ये मॉडल हमने यहीं पे रिजेक्ट कर दिया थॉमसन का। और इसके मॉडल को रिजेक्ट किसने किया, रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्चुअल में वो क्या देख रहा था, वो एक्चुअल में देख रहा था न्यूक्लियस, उसने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की पहले, इस एटॉमिक मॉडल से पहले उसका एक न्यूक्लियस मॉडल आता है कि उसने न्यूक्लियस को जो है वो कैसे डिस्कवर किया, वो आप आगे जाके पढ़ोगे कि उसने जो है वो गोल्ड की फॉइल शीट थी उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो स्ट्राइक करवाया, तो उसको जो है वो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट मिला है कि जो भी ये है, तो फिर उसको क्या मिला, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट मिला। जब उसको न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट मिला तो इसने कहा कि नहीं, जैसे तो थॉमसन ने बताया था कि नहीं पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ओवरऑल एटम पे जो नेगेटिव चार्जेस के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो नहीं यार ऐसा तो नहीं है। जहां तक उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसने ये देखा, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ये है कि उसने बोला कि ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो आपके सेंटर में जो है वो जमा हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस, सही, ज्यादातर पॉजिटिव चार्जेस कहां जमा हुए, सेंटर में जमा हुए, जिसकी वजह से यहाँ की डेंसिटी भी ज्यादा है, और उसी सेंटर को उसने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। वैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस में इन पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका भी मास होता है, तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलके यहाँ पे जब वो गैदर्ड होते हैं सेंटर में, तो वहां की डेंसिटी आप देखोगे कि यहाँ की डेंसिटी जब हुआ तो यहाँ की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी न्यूक्लियस की एज कम्पेयर टू द शेल्स ऑफ एन एटम, जिसकी यहाँ वाली पार्ट का देखा गया तो यहाँ की डेंसिटी इतनी नहीं थी जितनी ये सेंटर की थी, तो यहीं से ये वाला मॉडल तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल सही दिया, कहीं हद तक ये मॉडल सही था, लेकिन उसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट सही दिया, लेकिन वो आगे जाके उसका भी एक ड्रॉबैक निकल आया कि उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में, उसने शेल को कॉन्सेप्ट दिया एटम के, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के शेल के वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, और क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, और उन्होंने बोला कि कंटिन्यूअसली क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जो उनका एटम का शेल होता है वो एक स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल शेल कह लो, उसने बोला कि जो एटम का जो शेल होता है ना वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल का मतलब जिसके अंदर कोई जब फिक्स्ड ना हो, जो कंटिन्यूअसली चलता जाए। तो फिर लोगों ने बोला कि अच्छा अगर ऐसा है कि अगर एक स्पाइरल जो वो शेल है पजस करते है एक एटम, तो फिर स्पाइरल शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन को जो है रिवॉल्व करते रहना चाहिए, एंड में ऐसा होना चाहिए कि वो क्या बन जाए, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए इलेक्ट्रॉन्स, और फिर जो वो एटम में खत्म हो जाए। तो लोगों ने कहा, क्या कहा लोगों ने, कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल शेप शेल होता है एटम का, तो ऐसा तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली इसके अंदर रिवॉल्व करता जाए, और एंड में क्या हो जाए, वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाए और एटम खत्म हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि एटम किससे बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि और अगर जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे उसका शेल ही खत्म हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे, वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, तो एटम को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पता है हमें कि ऐसा नहीं होता, एटम खत्म नहीं होता। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि अच्छा अगर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं स्पाइरल शेल के अंदर, तो फिर तो हमें जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलना ही नहीं चाहिए, हमें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे कि जो है वो जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मॉडल को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। और इसका एटॉमिक मॉडल को किसने रिजेक्ट किया, बोहर ने। ये जो मॉडल था ये आपका फाइनल मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल था आप कह सकते हो, ये आप फर्दर भी आगे डिस्कवरीज हो सकती हैं, तो
क्या पता कि ये भी जो है वो रिजेक्ट हो जाए आगे जाके। अभी फिलहाल हम इसी को जो है वो करते हैं, देखते हैं कि बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के आइटम के पास जो है वो स्पाइरल शेल नहीं होता है बल्कि उसका जो है फिक्स्ड शेल होता है। इसका पहला पॉसिबिलिटी क्या था कि एटम के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेल होता है, उसके पास कोई स्पाइरल शेप, स्पाइरल जो है वो शेल नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एटम बनाया है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है एटम का। यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल है, इसने बोला कि कोई जो है वो स्पाइरल शेल नहीं होता बल्कि उसके अंदर तो फिक्स्ड शेल होता है। ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया, इसके आगे भी एक शेल आ सकता है, इसके आगे भी इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं एटम के अंदर, लेकिन वो स्पाइरल नहीं होंगे बल्कि वो फिक्स्ड शेल होंगे। और जिसकी वजह से फिर उसके जो ड्रॉबैक जो आपके अपने रदरफोर्ड में देखे, तो वो ड्रॉबैक को भी उसने क्लियर कर दिया कि उसने कहा नहीं, वो जो है वो कंटिन्यूअसली उसके अंदर रिवॉल्व करके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर जाते बल्कि वो फिक्स्ड शेल के अंदर जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका एटम भी जो है वो खत्म नहीं होता, वो भी एग्जिस्ट करता है। सेकेंड उसका पॉसिबिलिटी ये था कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि इस पॉसिबिलिटी का क्या मतलब था। थर्ड उसने बोहर ने बोला कि जो है जो एनर्जी, ये जो है वो ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी मर्जी से इस चैनल से लेके इस चैनल से लेकर, मतलब कोई एनर्जी उन्हें मिली नहीं, नहीं अपनी तरफ से इस चैनल से लेके इस चैनल जंप कर ली, फिर यहाँ से नहीं, उनको एक एनर्जी हम देते हैं सही। जो अब एनर्जी किसकी सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में मिल सकती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में भी मिल सकती है, पोटेंशियल में भी, पोटेंशियल की फॉर्म में भी मिल सकती है। तो जब उसके ऊपर एनर्जी आप किसी इलेक्ट्रॉन को देते हो तो वो क्या करेगा, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वहां से दूसरे जो है वो शेल में जंप करेगा, और जब वो जंप करेगा तो वो क्या होगा, ग्राउंड शेल में आएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड नहीं बल्कि वो क्या एक्साइटेड शेल में जाएगा। जब वो एक्साइटेड शेल में जाएगा तो उसके अंदर क्या, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है और उसे उस एनर्जी को लॉस करना है किसी ना किसी तरह। तो वो उस एनर्जी को जो है वो लॉस करने के लिए क्या करेगा, वापस से डीएक्साइट होगा। और जब वो डीएक्साइट मतलब एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, डीएक्साइट होगा, तो वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा और वो उस एनर्जी इतनी ही होगी जितनी उन दो शेल के दरमियान में एनर्जी थी, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा और हमारा जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम भी बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। तो फाइनल जो मॉडल है एटम का वो ये है कि एक एटम है जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सेंटर जो है तो एटम का उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा उसके पास जो फिक्स शेल्स होते हैं और वो इनफाइनाइट भी जा सकते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से एलिमेंट में, कौन से एलिमेंट के एटम में कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हैं, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेल में आप देखते हो तो कि जो है वो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में जो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आगे जाओगे तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल टू शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो हर एक एलिमेंट के एटम पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एटम को डिस्कस कर लिया, उसके मॉडल्स को डिस्कस कर लिया कि एटम का जो वो करेक्ट स्ट्रक्चर कैसा, हमने जो वो देखा कि उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या था, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन कहाँ जो है वो गैदर्ड होते हैं, कहाँ जो है वो कंसनट्रेटेड होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसके आउटर शेल्स में, ये शेल्स कहलाते हैं आउटर शेल में जो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक वो एडिशनल चीज बता दूं आपको, साइज ऑफ एन एटम क्या होता है, ये जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक एवरेज निकाला गया है कि किसी भी एटम का एवरेज साइज क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10^-10 न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है, 1 × 10^-15 मीटर, मतलब फेमटोमीटर सही। तो मतलब इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा कम छोटा होता है न्यूक्लियस का किससे, एटम से। एक एटम का एवरेज साइज क्या ये बना, 1 एंगस्ट्रॉम उसका साइज ही बना, और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 1 फेमटोमीटर, मतलब 10^-15 मीटर्स।